ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। भगवान उवाच, तुम मेरी कम सुनते हो, माया की बहुत सुनते हो। तुम मेरी मत पर कम चलते हो, माया की बात पर ज्यादा चलते हो। सोचें इन महावाक्यों में बाबा का कितना प्यार समाया हुआ है। बाबा चाहते हैं मेरा हर बच्चा मेरे साथ रहे। कितना सुंदर ये अवसर हमें मिला है भगवान के साथ रहने का। चारों युगों में ये अनमोल क्षण कभी नहीं प्राप्त होंगे जो हम भगवान के साथ जितना समय चाहे रह सकें। यदि हम सूक्ष्म लोक में बाबा को सामने देखते हैं तो भी हम बाबा के साथ हैं। यदि हम परम धाम में उनको याद करते हैं तो भी हम उनके साथ हैं। यदि हम स्वमान का अभ्यास करते हैं तो वो हमारे साथ है। यदि हम बाबा का आह्वान करते रहते हैं तो भी वे हमारे साथ रहते हैं। संकल्प कर लिया करें रोज सवेरे, हमें बाबा के साथ रहना है। ऐसा मौका तो दोबारा कभी नहीं आएगा। सोच लें किसी बड़े आदमी के साथ रहने को मिले, प्राइम मिनिस्टर कह दे कि एक हफ्ता मेरे साथ आकर रहो, कितने फोटो खिंचवाएंगे, कितना आनंदित रहेंगे, जीवन भर सबको बताते रहेंगे। और सोचो भगवान ने कहा है मेरे साथ रहो, जिस साथ में परम आनंद है, जिस साथ से आत्मा संपूर्ण बन जाती है और ये साथ अविनाशी बन जाता है। जन्म जन्म हम ब्रह्मा बाबा के साथ रहेंगे, जो सबसे बड़े हीरो एक्टर हैं उसके साथ हर जन्म में हमें रहने को मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी प्राप्ति है, हम इस साथ को बढ़ाते चलें। बाबा ये चाहते हैं कि सभी बच्चे अब मेरी बात माने। और ये सत्य है, अगर हम बाबा की आज्ञाओं पर ध्यान देंगे तो हम निर्मोही बनते जाएंगे, हमारे ममत्व समाप्त होते जाएंगे और घर चलने का मार्ग स्पष्ट होता जाएगा। परंतु यदि हम बाबा की बातों पे ध्यान नहीं देंगे तो हम यहाँ बनते ही जाएंगे और हमारा मार्ग क्लिष्ट होता जाएगा। हम एक अभ्यास चालू रखें, जीवन में ये अपनी आदत बना लें कि जब भी कोई कार्य करने के लिए हम जाते हों तो बाबा से योग लगा कर जाएं। 3 मिनट याद में बैठें, बाबा को बताएं, बाबा हम ये कार्य करने जा रहे हैं, बाबा का साथ ले लें, संकल्प कर लें बाबा मेरे साथ है। साथ ही साथ महसूस कर लें बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है और बाबा वरदान दे रहे हैं। बच्चे तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, सफलता मूर्त हो, जाओ इस कार्य को सफल करो। ऐसी गुड फीलिंग के साथ हम कर्म क्षेत्र पर उपस्थित होंगे तो बाबा की अथाह मदद का अनुभव होगा। हमें लगेगा बाबा हमारे साथ चल रहा है, बाबा हमारा कार्य करा रहा है, बाबा की ही जिम्मेदारी है हमारा सारा कार्य करना और जीवन की यात्रा बहुत ही सुखद हो जाएगी। तो रोज सवेरे अपने को कुछ चीजें याद दिला दिया करें, केवल योग न लगाएं, कुछ स्मृतियों को इमर्ज किया करें। उनमें एक यही है, बाबा हमें सदा साथ दे रहा है, उसने वचन दिया है जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं तुम्हारी मदद करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। उसने वचन दिया है तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ मैं 1000 कदम तुम्हारी ओर आ जाऊंगा। उसने हमें
वचन दिया है तुम मुझे वारिस बना दो, मेरा सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। रोज सवेरे ये श्रेष्ठ स्मृतियां दिला दिया करें और आज सारा दिन। बाप दादा का हर घंटे में एक बार आह्वान करेंगे, बुलाएंगे उनको और उनकी उपस्थिति देखते हुए दृष्टि लेंगे और अब अनुभव करेंगे बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। ओम शांति।